निशा रसोई की आज की रेसिपी है चिकन लखनऊी का खुरमा। ये 500 ग्राम चिकन है, इसको मैंने इस साइज में कट कर ली हूँ और अच्छी तरीके से धो ली हूँ। 3 कांदे हैं, इसको मैंने कट कर ले ली हूँ। और ये दही है, ये अदरक लहसुन का पेस्ट है, ये अमूल फ्रेश क्रीम है, इसकी जगह आप खवा भी इस्तेमाल कर सकते। खसखस है, बादाम है, 10 बादाम है, 10 काजू है, और ये है सूखे मसाले, ये है गरम मसाला पाउडर, और ये है हल्दी पाउडर, ये है मिर्ची पाउडर, और ये है धनिया पाउडर। और एक कटोरी में मैंने ज़ाफ़रान को दूध में भिगा ली हूँ। और ये है जायफल, जावित्री और हरी इलायची, इसको मैं एक पाउडर मसाला बना लूँगी। और ये है जावित्री और हरी इलायची और लौंग। नमक को भी मैं मेरे हिसाब से ले लूँगी, इतना मैं नमक ले लूँगी। गैस मैंने ऑन कर दी हूँ, अब मैं प्याज को फ्राई कर ले लूँगी। अच्छी तरीके से प्याज को फ्राई कर मैं ले लूँगी, अच्छे से मैं प्याज को फ्राई कर ले लूँगी। काजू, बादाम और खसखस का एक पीस बना लूँगी और इसका एक दरदरा मसाला मैं पीस लूँगी। प्याज को मैंने फ्राई कर ले ली हूँ, अब मैं ऑयल में खड़े गरम मसाले ऐड कर दूँगी। चिकन को भी मैं फ्राई कर लूँगी अच्छे से ऑयल में। चिकन को मैं ऑयल में अच्छी तरीके से भून लूँगी। अब चिकन में मैं 2 चम्मच भरकर अदरक लहसुन का पेस्ट भी ऐड कर दूँगी और इसको भी मैं चिकन के साथ भून लूँगी। अदरक लहसुन को भी मैं चिकन के साथ भून लूँगी। काजू, बादाम और खसखस को मैंने पानी डालकर इस तरीके से पेस्ट तैयार कर ली हूँ और एक सूखे गरम मसाले भी मैंने दरदरे पीस लिए हैं। चिकन को मैं अच्छी तरीके से भून ली हूँ, अब मैं सूखे मसाले भी ऐड कर लूँगी इसके साथ, मैं भून लूँगी चिकन के साथ। अब दही को भी मैं ऐड कर दूँगी और इसको भी मैं अच्छी तरीके से मिला लूँगी और भून लूँगी दही को भी। मिक्सर के जार में मैंने प्याज को भी दरदरा इस तरीके से पीस ली हूँ, इसको भी मैं चिकन में ऐड कर लूँगी और इसको भी मैं अच्छी तरीके से मिलाकर भून लूँगी। प्याज को भी मैं अच्छी तरीके से मिलाकर भून चुकी हूँ, अब मैं ये काजू और बादाम और खसखस का पेस्ट भी ऐड कर दूँगी, इसको भी मैं अच्छे से मिला लूँगी। अब मैं ज़ाफ़रान वाला दूध ऐड कर लूँगी और इसको भी अच्छे से मिला लूँगी और इसी में मैं चिकन को पका लूँगी। काजू बादाम जो मैं पीस कर रखी थी, इतना मैंने पानी इसमें ले ली हूँ मिक्सर के जार में, अब इसको भी मैं ऐड कर दूँगी और चिकन को अच्छे से मिलाकर मैं पका लूँगी। हल्का मैं केवड़ा एसेंस भी ऐड कर दूँगी, केवड़ा एसेंस को भी मैंने ऐड कर ली हूँ। देख सकते हैं आप ये चिकन कितना बेहतरीन बन रहा है। जो ये गरम मसाले मैंने दरदरे पीस कर रखी थी ना कूट कर, इसको भी ऐड कर दूँगी। एक खुशबू वाला एक गरम मसाला है और इसको भी मैं अमूल फ्रेश क्रीम, इसको भी मैं अच्छे से ऐड कर लूँगी और अच्छे से मैं इसको भी मिलाकर पका लूँगी। सारे मसाले मैं मिला चुकी हूँ, देख सकते हैं आप। अब मैं गैस को बंद कर दूँगी और ये रेडी हो चुका है। लखनऊी चिकन कुरमा रेडी हो चुका है, देख सकते हैं आप ये कितना बढ़िया बन चुका है। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर करो।